अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या चला, कैसे गुड बेसन, कैसे हो भाई साहब। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एफएम के ऊपर, जो के होने वाला है पार्ट टू। ये भी फनी वीडियोस होने वाली हैं। आपको पता है कि यार इतनी ज़्यादा गेम है नहीं एफएम भैया की, है भी है पर ना माना जाए तो भाई हंसाने में और मतलब खुशी रखने में बहुत ही आला बंदे हैं और फनी बंदे हैं। तो भाई साहब आज हम इनकी दूसरी वीडियो पर रिएक्शन देते हैं, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इन्जॉय करते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं चारों ही मर गए भाई। बैठा देखो कैसे माइनस ना पड़े। उसका माइनस बैठा देखो कैसे। बेचारे के पास कोई अल्फाज ही नहीं है। कौन प्लेयर है वो, ये क्या हुआ है? वो ये क्या है? वो नहीं, मुझे लगा शुरू से आएगा। कोई बात नहीं, श्री चैट बैठे हो और भैन दी चपड़ासियो चपड़ासियो चैट में बैठे हुए, बताओ ना कि तीन चांस होते हैं कुत्ते हो। तीसरी फ्री में चांस खराब हो गए, मुझे पता ही नहीं था इसका करना क्या। भैन दी श्री बोटे ओए, तो फिजा आंटी क्या किस लिए बैठी हुई है चैट में? दंत कटने के लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास मोटिए, तो कितने बर्गर असल यार। मेरे साथ भी ऐसा काफी दफा हुआ, गाड़ी पे होता है ज्यादा ना ऐसे। चले बंदे वहाँ पे, मुझे क्या छने कवर दे कवर दे कवर दे मसाई नहीं लाई अल्लाह की कसम में। बड़ा हेलो एवरीवन, आज आसमान की ऊंचाइयों में भी निशाना पिस्ती कुत्ता। आज आप देख सकते हैं कि निशाने पिस्ती कुत्ती को मैंने अपने कंधों पे बिठा के लेके जा रहा हूँ जोन में। तो पोटी नहीं आती तो इसलिए मैंने इसको उठा के लेके जा रहा हूँ। देख सकते हैं आसमान की ऊंचाइयों में निशाना पिस्ती कुत्ता मेरे साथ। मुंह पे मंडी ले गया गुर्राम दा यार, दादी कसम डागू ओ शाहजी तक रेटा ना लुटियो। मैं तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, शाहजी नहीं लुट गए। लुट गए नंबर टू कौन ही टर्मिनेटर। तुम्हें शर्म है कुछ? कसम में मैं कोई नहीं लुटिया, टर्मिनेटर बैठे हैं सी। तू कसम खा, तू कसम खा नहीं खोलिया ग्रेट। अच्छा बस इतनी की है वीडियो, चलो यार इसमें ही एंड करते हैं भाई साहब, इतनी ही बनी होंगी। बाकी दस लोगों को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, मजा आया आपको मुझे जरूर बताना और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। तो यार आपके लिए भाई मैं सोच रहा हूँ यही कंटेंट ले गया हूँ मजे का बट फनी कंटेंट। यार मेरे पास ना ये कैमरा सा अच्छा है ये वाला पेन से, और ना मेरे पास माइक पड़ा हुआ है जो हेडफोन लगा के मतलब यहाँ पे आवाज़ आए ना ऐसे। आपको कई दफ़ा आपको आवाज़ अच्छी आती होगी, ये जो माइक है ना अल्हम्दुलिल्लाह यार अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लैपटॉप के अंदर ही माइक है जिस वजह से मेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग होती है। बाकी लव यू यार, आपको अगर पूछना है मेरे से ये कौन सा मैं रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ तो वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं आपको बताऊँगा, तो कोई इशू नहीं है। बाकी लव यू यार, बाय।